हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो मैंने रीजनिंग का क्रैश कोर्स बनाया है, ये उसका पार्ट 6 है और इससे पहले मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला पर्सन है एक वाटर इमेज का, और इमेज आपको यहाँ पे दे रखी है, पर्सन आकृति यहाँ पे ये है और उत्तर आकृतियाँ यहाँ पे 4 दे रखी हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। कुछ इसी तरीके के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको पहले कुछ बातें बता देता हूँ, चाहे बात की जाए वाटर इमेज की और चाहे बात की जाए मिरर इमेज की, सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है। देखिए, इतना डिफरेंस होता है वाटर इमेज में और मिरर इमेज में। जब भी मिरर इमेज की बात की जाती है तो समझिए मिरर आपका राइट और लेफ्ट में रखा होता है, ठीक है, इस तरीके से। और वाटर इमेज में समझ लीजिए बस मिरर नीचे रखा है, इतना फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं होता है। जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बस उसको सुन लीजिएगा एक बार। यहाँ पे देखिए, ये इमेज है तो जो चीज़ें मिरर के पास में होगी, जो नीचे वोटर की बात की जा रही है तो जो वोटर के पास में होगी, ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है बिल्कुल एज इट इज़। आप थोड़ा सा सोच के देखिए इस तरीके से कि वोटर के पास में आपका एक तो ये है, ठीक है, गोला सा, तो यहाँ पे भी इसके नीचे वोटर के पास ये ही होगा और इस तरीके की कोई इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब इनमें से देख लिया, इनमें से कौन सा आपका ये राइट आंसर हो सकता है। अब इसकी पहले वाले की बात की जाए तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। और दूसरी बात, ये भी आपका जो गोला है ये एज पे है, यानी कि आपका किनारे पे है, और ये बिल्कुल बीच में हो गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, साफ साफ दिख रहा है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। देखिए, कभी भी मिरर इमेज की बात की जाए चाहे वोटर इमेज की, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। लेफ्ट का राइट में चला जाएगा, राइट का लेफ्ट में चला जाएगा, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, और इससे मतलब ये नहीं होता है कि आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं होगी। फिर इन दोनों की अगर बात की जाए तो इनकी बिल्कुल सही है, बट इसमें ये वाला सही होगा, इसका फिर वही बीच में आ गए गोला, ठीक है। अगर ये ऊपर होता तो ये भी राइट हो सकता था। तो ये वाला और इसमें इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, राइट सी वाला ही क्यों है। मैंने अभी बताया ना आपको कि एक तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ये चीज़ आपकी नीचे है इसके, तो ये तो आपकी ऊपर हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगी। एक तो आप ऐसे सोच सकते हैं, एक आप ऐसे सोच सकते हैं कि वोटर यहाँ पे है तो जो चीज़ वोटर के पास में है, वोटर के पास में क्या है, ये वाली चीज़ है ना, और जो बिल्कुल आपकी प्लेन डंडा है वो ऊपर है तो वो दूर ही रहेगा, ये इससे मिरर से दूर है ना, तो यहाँ पे भी सॉरी वोटर से दूर है ना, तो ये भी दूर होगा, ठीक है। वोटर इमेज और मिरर इमेज में डिफरेंस मत करिएगा, बस ये समझिए कि मिरर नीचे रखा है वोटर इमेज में, ठीक है, और वैसे आपका इस इधर या इधर हो सकता है मिरर इमेज में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, आप भी खुद से ट्राई करते रहिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल वही आपको करना है। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको ये बनानी है इसकी वोटर इमेज, ठीक है, ये आपके पास आकृति है, ये आपके पास एक इमेज है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जैसे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये बीच में कैसे आ गया, ये आपका बिल्कुल कोने पे रखा और ये बीच में आ गया, ये नहीं हो सकता है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज है, और अगर इसकी देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, इसकी देखा जाए तो ये इस साइड में है अगर देखा जाए, और ये इस डायरेक्शन में जा चुका है, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन से हटके ये इस डायरेक्शन में जा चुका है। अगर ये यहाँ पे होता तो आप इसको सोच सकते थे, अभी तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि इसकी तो डायरेक्शन ही नहीं चेंज हो गई, तो ये भी हट जाएगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा बचा। भी आप इसको अब ट्राई भी कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। देखिए, अगर हम यहाँ पे मिरर इमेज की बात करें तो आप एक छोटा सा बस इस तरीके से रफली एक वो बनाइए बॉक्स, उसके अंदर फिर एक और बनाइए, तो आपका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, कुछ कोने में इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा सेटिस्फाई होगा,
क्योंकि ये अगर इस साइड में है ना तो आपका वोटर इमेज में भी इस साइड में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब इधर भाग जाएगा इधर भाग जाएगा, कहीं नहीं भागेगा, वहीं पे रहेगा। बस ये ऊपर आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो चीज नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर थी वो नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। आप देखिएगा इस तरीके से, अगर मैं इस बॉक्स को उठा के यहाँ पे रखूँ, आप इमेजिन करिए कि जो चीज नीचे थी वो ऊपर पहुंच गई है, ठीक है, और जो ऊपर थी, ऊपर क्या था, ब्लैंक था, वो नीचे आ गया है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यही सोचना है कि वोटर के पास में जो चीज थी, वोटर के पास में क्या था, ये था ना, ये पोर्शन ब्लैंक वाला तो ऊपर था यानी कि वोटर से दूर था, तो अभी भी यहाँ पे भी ये दूर ही होगा। अगर यहाँ पे देखें हम, ये इस तरीके से यहाँ पे वोटर है तो ये अभी भी दूर ही है। तो ये इसी तरीके से आपको सोचना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। वोटर और मिरर इमेज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लेंगे, और भी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ट्राई करिए एक बार, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन भी। और देखिए यहाँ पे भी आपको बिल्कुल वैसे ही सोचना है, सबसे पहले नीचे ही रखा है मिरर, समझिए यानी कि आपका वोटर इमेज बनानी है तो नीचे ही है वोटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि ये वाली चीज इसके पास है, वोटर के पास में कौन से वाली चीज है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन वोटर के पास है, तो यहाँ पे भी ये पोर्शन वोटर के पास होना चाहिए। बस आपको इतनी सी छोटी सी चीज पकड़नी है, ये जो आपका स्टार, ये जो आपका वो है, ये पूरा एक फिल है, पूरा ब्लैंक है, ब्लैक है, तो ये वाला पोर्शन आपका इसके पास में ही होना चाहिए, वोटर के पास में। तो यहाँ पे आप इनमें से सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि ऊपर की साइड में ऐसा भरा हुआ एक कौन सा है, ये वाला ब्लैंक है, ये वाला भी ब्लैंक है, ये वाला भी ब्लैंक है, भरा हुआ ये है, तो आपका राइट आंसर ये आ चुका है। आप अब इसको पूरा भी अगर देखें खोल करके तो आपका राइट आंसर यही होने वाला है। देख लीजिए अब ये ऊपर था, ठीक है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए, अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे रखूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये जो इमेज लेके आऊँगा ये नीचे रखा करूँगा ताकि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर इस वाले को हम यहाँ पे रख ले तो आप सोच सकते हैं कि ऊपर वाला ये इसके पास ये है, वोटर के पास ये वाला, तो ये भी वोटर के पास ही आएगा, यानी कि वोटर यहाँ पे रखा है, ठीक है, और ये नीचे है और ये ऊपर था तो ये नीचे चला जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्राई करके आप जल्दी जल्दी से देखते हैं, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको ट्राई करके जल्दी से आंसर बताइए। डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कभी भी किसी भी एंगल से चेंज नहीं होगा। मान लीजिए जो भी आपका है, कुछ भी लिखा है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में चला जाएगा, अगर लेफ्ट राइट में रखा है मिरर। अगर नीचे वोटर इमेज की बात की जा रही है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, इतना चीज ध्यान रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 4 मैक्सिमम बच्चे ट्राई करिएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको एक चीज पहले बता दी थी, आशा करते हो कि आपने ट्राई कर लिया होगा, कि डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर एस टी लिखा है तो नीचे भी आपका एस टी ही बनेगा, वो उल्टा करके बन जाएगा बट रहेगा एस टी, यानी कि टी एस बन जाएगा। तो इसमें एस टी तो इसमें ठीक है, ये टी एस हो गया, ये भी टी एस हो गया और ये भी टी एस होगा, तो तीनों को काट दीजिए, राइट आंसर तो आपका ऑब्वियसली यही आ जाएगा ना, ए। अब इसको देख भी सकते हैं कि कैसे आया ये टी, आपका ये पोर्शन टी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ऊपर है, ठीक है, तो वोटर के पास में कौन सा पोर्शन है, ये ब्लैंक, मतलब जिसके नीचे आपका डंडा नहीं है टी के, तो ये वाला डंडा ऐसे ही आएगा ना, ये चीज इसके पास नहीं है और इसके पास भी नहीं है, समझ गए आप इस चीज को। एस को अगर देखा जाए तो एस भी आपका बिल्कुल वैसे ही होगा, अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो आपका ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला इधर को फेस है जिसका, ये इधर को ही फेस है अभी भी, ये चीज समझिएगा, और जो इसका इधर को फेस है, इसका अभी भी फेस इधर को ही है। तो इस तरीके से आपको चाहे किसी भी चीज की इमेज पूछ ली जाए, चाहे आपका लेटर की पूछ ली जाए, नंबर की पूछ ली जाए, कोई भी आकृति पूछ ली जाए, आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा आपको अगर इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, इसमें आपको मिरर इमेज पूछी गई है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे ट्राई करिएगा और आंसर दीजिएगा इसका, 5 का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है अभी तक, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और ये ट्रिक है इसकी, ठीक है, कि जो चीज़ मिरर के पास में है उसको आपको पास में ही रखना है। देखिए इसके पास में गोलाई वाला ये है, ठीक है, तो इधर भी ये गोलाई वाला इधर को ही होना चाहिए, ये एक मेन चीज़ है। इसका जो ये एरो है ये इधर को ही होना चाहिए, तो आपको कुछ इस तरीके की इमेज देखनी है जिसका ये गोलाई वाला पोर्शन इधर को हो, जिसका मुंह इधर को हो और ये एक एरो इधर को। तो आप सबसे पहले को तो सबसे पहले डिस्कार्ड कर दीजिए, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी तो दोनों साइड ही चेंज हो गई है, सबसे पहली बात। फिर इसकी देखा जाए तो इसकी जो है ये वाला जो पोर्शन है ये उधर दूसरी डायरेक्शन में होगा, तो ये भी कट जाएगा।
फिर इसकी इसका देखा जाए तो इसका बिल्कुल सही है, इस डायरेक्शन में है, बट इसका एरो जो है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले था, तो मिरर इमेज में उल्टा हो जाता है ना, ये आप समझ गए, इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये भी हट जाएगा, तो ऑब्वियसली राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है भाई, अब समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा ना, अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं समझूंगा कि हाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो चीज़ समझ गए हैं, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हाँ या ना तो जरूर बताइएगा कि हाँ जी समझ में आ गया और नहीं जी समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ और आपकी समझ में आ जाए, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने जो समझा आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो ये मिरर इमेज और आपका वोटर इमेज है चैप्टर हार्ड नहीं है, अगर इसको आप हार्ड बना के पढ़ते हैं तो ये फिर हार्ड ही लगेगा ना। ठीक है, तो हार्ड बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले को ट्राई करिए, आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर भी होता जा रहा होगा, और ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन करें जैसे अभी इसकी वोटर इमेज बनानी है आपको, तो आपको क्वेश्चन पे ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो हो नहीं सकता उसको तो हटा दीजिए ना, जैसे मैंने अभी एक चीज़ बताई आपको कि इसके पास रहना चाहिए ये वाला ब्लैंक वाला पोर्शन, अभी भी नीचे जो बनेगा ब्लैंक वाला पोर्शन ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की इमेज बनेगी, मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ, गोला ऐसा बनेगा, ठीक है, और ब्लैंक पोर्शन ऊपर ही रहेगा, मतलब कि जो वोटर है आपका और जो सुई की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है ना, तो अभी भी वो इस डायरेक्शन में ही रहेगी। ठीक है, और जो ब्लैंक पोर्शन है वो इसके पास है, तो यहाँ पे भी ब्लैंक पोर्शन इसके पास ही रहेगा। ठीक है, तो आपको एक ऐसी इमेज ढूंढनी है जिसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, देख लीजिए आप, ये चीज़ें लिखने की नहीं है, ये दिमाग में सोचने की है बस। तो पहले वाली देखी जाए तो इसकी तो सुई की डायरेक्शन चेंज हो गई, ये नहीं हो सकता, फिर इसकी देखी जाए तो सुई की डायरेक्शन भी सही है, ये भी सही है, नेक्स्ट वाले का अगर देखा जाए तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका तो ऊपर को ही है, जैसे ये थी वैसे का वैसे ही है, और इसकी सुई की डायरेक्शन भी और ये दोनों ऊपर को भी है, तो ये भी हट जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आपको अब ये क्वेश्चन इजी लगने लगे होंगे कि सोच रहे होंगे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, अब आप देख लीजिए कि ये इजी है या हार्ड है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है 7, इसको ट्राई करिएगा और मैक्सिमम बच्चे इसका राइट आंसर करिएगा, और आशा करता हूँ कि सभी इसका राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो नीचे वोटर है, वोटर के पास में कौन सा पोर्शन है भाई, चोंच वाला पोर्शन और जो एक हल्का सा जो गोला है ये छोटा सा, ये ऊपर की साइड में है, तो जो वोटर के पास पोर्शन है वो है आपका ये वाला प्लेन वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इमेज ये बन जाएगी। ठीक है, गोले का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो अब आप देख लीजिए पहले वाले का तो ये मतलब यही चेंज नहीं हुआ है तो ये तो हट जाएगा, फिर इसका भी ये चेंज नहीं हुआ है, और इसका देखा जाए तो सी राइट आंसर हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आशा करता हूँ कि आपने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, और यहाँ पे आपको क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बनाना है इसका। ठीक है, जो ये संख्या लिखी है 4, 5, C, D, 6, 7 इसका बनाना है आपको, तो एक बार ट्राई कर लीजिए, आशा करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर जरूर करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ऑप्शन से ही हो जाते हैं, आपको देखने की जरूरत ही भी नहीं होती है। जैसे पहला है भाई, ए उल्टा तो होगा ही होगा, अगर मान लीजिए इस तरीके से रखा है वोटर, ठीक है, वोटर तो नीचे होता है और आपका जो ये है ए कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, और ये नीचे कौन सा पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन जो है ये वाला है, यानी कि जो नीचे गोला सा बना हुआ है, तो ये इसके पास ही रहेगा, इस तरीके से कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है भाई, मेरी जो ड्राइंग है बहुत ख़राब है, तो आप समझ गए होंगे मतलब कि ये वाला बनेगा। ठीक है, अब तो पहले वाला तो बिल्कुल ही हट जाएगा, पहले वाला तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि इसमें तो ए सीधा का सीधा रखा है। अगर मैं अब बी और सी और डी की बात करूँ तो इन तीन ऑप्शन में से एक हो सकता है। अगर मैं बोलूं आपको 7, लास्ट वाला देखिए आप संख्या इसमें 7 और 7 बिल्कुल सीधा सीधा रखा है, तो इन दोनों को भी हटा दीजिए, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो आपको तो पूरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, ठीक है ना, तो इसलिए बोलता हूं कि ऑप्शन पे एक बार जरूर ध्यान दिया करें। पहले वाला हट गया ए की वजह से, और ये लास्ट के दो हट गए लास्ट के 7 की वजह से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी तरीके से आप भी चेक करते हुए क्वेश्चन को जरूर सोल्व किया करें, क्योंकि कई बार ऑप्शन से आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि आपने एक क्वेश्चन भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का भी देखिए, और इसकी भी आपको वोटर इमेज ही बनानी है, ये वाला जो आपकी आकृति दे रखी है इसकी आपको वोटर इमेज बनानी है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, और आशा करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर बिल्कुल करेंगे। बस आपको एक मोटी सी चीज़ इसमें ये देखनी है कि जो वोटर इमेज बनेगी उसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है ये रहने वाली है, तो यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं
भाई जो वोटर इमेज बनेगी ये वाली तो नहीं हो सकती ना ऐसे इस वाली, तो क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा, तो ये वाला हटा दो ठीक है, और ये वाला भी हट जाएगा, फिर तो बचा तो आपका बी, राइट आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कई क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ भी चेक नहीं किया और बी आंसर लगा दिया, कैसे? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज तो होगी, मतलब सॉरी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब इसका जो जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे था ऊपर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन पास में है, यानी कि अगर आपका यहाँ पे वोटर होगा, ये वाला पोर्शन पास में है, ये वाला ठीक है, ये एरो वाला पोर्शन पास में है, तो यहाँ पे भी ये पास में ही रहेगा बिल्कुल। इसके पास से उठाइए और मान लीजिए इस तरीके से कर दिया गया ये, ठीक है ना, ये वाला नीचे को कर दिया गया, बस इतनी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये वाला इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये हट जाएगा, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये हट जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में, ये भी हट जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। देखिए ये फिगर कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन है और इनसे भी आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए ऑप्शन को ही देख के क्वेश्चन करना है, जैसे आपने बस एक छोटा सा दिमाग में आइडिया बनाया कि किस तरीके की इमेज हो सकती है, तो इस तरीके का कुछ इमेज होगी आपकी, ठीक है, इस तरीके की, ठीक है भाई, सॉरी इस तरीके की हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन हो नहीं सकते उनको हटाना है, जैसे ये बिल्कुल अजीब है, ये हट जाएगा। फिर अगर इसको देखा जाए तो ये वाला पोर्शन तो ऊपर आना चाहिए था, ये नीचे आ गया, यानी यहाँ तो ये नहीं आएगा ना, तो ये भी हट जाएगा। फिर ये वाला अगर देखा जाए तो ये वाला राइट हो सकता था, बट इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, ये भी अगर आपका यहाँ पे होता, मतलब इसकी डायरेक्शन ये वाली होती तो ये राइट हो जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका डी बचेगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा उसको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो 11 की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए और तीन लाइनें होनी चाहिए, तो देख लीजिए इस वाली डायरेक्शन में, यानी कि इधर को आपकी तीन लाइनें होनी चाहिए बस, मतलब किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए और उससे ऑप्शन को हटाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें तो दो लाइन है, ठीक है, इसमें तीन है, इसमें भी दो लाइन है, ये तो हट जाएगा दोनों, तो बचे कौन सा आपका, ये वाला और ये वाला। अब ये वाला राइट हो सकता था बट इसमें ये वाली दो लाइन नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी बचेगा। देखिए जितने भी आकृति वाली इमेज वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं, इनकी कोई भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएगा कोई भी, कि आपको कोई फॉर्मूला पुट करें या फिर कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं बनती है कि आप एकदम से उसका आंसर निकाल लें, बस थोड़ा सा आइडिया दे सकता है और आइडिया ही सिखा सकता है कि आप किस तरीके से सोचें। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है उसको एकदम हटा दीजिए, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट उसके बारे में सोचिए और उसका राइट आंसर लगाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा अभी तक। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और आपके लिए दो क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। और ऐसा करता हूँ कि हर एक बच्चे ने वीडियो यहाँ तक देखी होगी, तो जितने बच्चों ने भी यहाँ तक वीडियो देखी है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करें वीडियो को। मैं आपके लिए बनाता हूँ और सब बच्चों के लिए बनाता हूँ, जितने भी वीडियो को देखना चाहते हैं या फिर किसी कारणवश वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जैसे भी सभी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आपको सभी बच्चों को वीडियो शेयर करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन, मतलब पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।